क्या न्यूज 18 कहता है, वोटर का कारवा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के सागर में। सागर में मौजूद है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जहां से कई जानी मानी हस्तियां देश भर में अपना नाम कमा रही हैं और देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं यहां के मतदाताओं के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, और समझते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में सागर के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव जब आते हैं तो जनता ही जनार्दन होती है और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम है। आइए जनता के पास आपको लिए चलते हैं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल से जितना जनता कितनी खुश है, कितनी संतुष्ट है, क्या कुछ उनके जीवन में बदलाव आए और आगे वो क्या कुछ देखना चाहते हैं। भाई साहब, 10 साल लगातार मोदी सरकार रही है और तमाम सारे वादे दावे किए, आपने भी सुने होंगे जो नेताओं ने बातचीत की, कितने संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से? आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिली नहीं मिली? 90% खुश हूं मैं तो। अच्छा, हाँ। 10% काहे की कमी लगती है आपको? आप 10% तो प्रजातंत्र है, हाँ। वो तो हमेशा रहेगी, हाँ। 10% की पूर्ति तो भगवान राजा राम नहीं कर पाए। अच्छा, चलिए ठीक है, मतलब अच्छा शासन चल रहा है दादा? अच्छा शासन से चल रहा है। कैसे चल रही है रोजी रोटी वगैरह? बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया चल रही है सर। भैया सागर की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की कैसी व्यवस्था है, और स्वास्थ्य के और रोजगार की बात करें तो कैसे इंतजाम आते हैं सर? सही है, हाँ सही है सर। जो जनता है, वोटर्स हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ भी चल रही है के सागर में। रोजगार वगैरह कैसी व्यवस्था है, लोगों को काम धंधे मिलता है? यार भैया, जिसको काम करना है, हाँ। उसके लिए रोजगार है, हाँ। जिसको काम नहीं करना उसके लिए रोजगार नहीं है, हाँ। बात खत्म। दादा आप तो यहाँ पे लंबे समय से हैं सागर में, देख रहे हैं कितनी परिवर्तन हुआ चीजों में, कितने बदलाव आए? इसका परिवर्तन हो गया साहब, लोढ़ा बहुत परिवर्तन हुआ साहब, विकास हुआ है। हाँ विकास हुआ है साहब। काम धंधे वगैरह कैसी स्थिति? धंधे अब कर व्यवहार हो तो काम है, इन्हें करो तो भी काम है। मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं कि कछु कमियां लगा थे? तो देश का राष्ट्रगुरु बनने वाला है, हाँ। हाँ। राम मंदिर वगैरह बना दिया सरकार ने, ये से छोर का हो सका दत्ता अपन प्रभूषण जुड़वा दो, हाँ। तो ये जो राम मंदिर का मुद्दा है और तमाम सारे मुद्दे हैं, ये लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि ये काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे, हाँ। अच्छा, ये जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए या फिर ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे सीए को लेके बहुत बात होती है, 3 तलाक को लेके बात होती है, राम मंदिर को लेके बात होती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे भी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं ना, जैसे स्वास्थ्य का है, चिकित्सा व्यवस्थाओं का है, रोजगार का है, वो लोकल नेता बात करें, जो आम पब्लिक के लिए जो चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, बाकी जो लोकल है वो लोकल नेता भी कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए। चुनाव तो लोकसभा का है ना जी, तो इसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, जो जो मुद्दे राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं वो विधानसभा के चुनाव के समय ध्यान रखने चाहिए, और जो लोकल मुद्दे हैं वो नगर निकाय के समय पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जो रेलवे का विषय होता है, रेलवे का विषय तो केंद्र सरकार का होता है, हम लोग जब यहाँ जनता के बीच गए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सागर में रेल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये वाकई सच्चाई है? ये सच्चाई है कि यहाँ रेल कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक बहुत अच्छी भी है। अभी है कि अब आगे समय में यदि जंक्शन बन जाए तो हो सकता है और भी अच्छी हो जाएंगी, बट अभी फिलहाल सागर स्तर पे ठीक है, उनको और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, महंगाई का इशू, ये भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ही संबंधित है, तो जितनी महंगाई बढ़ रही है क्या उतने रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, क्या उतनी आय बढ़ रही है, या फिर महंगाई अब ज्यादा हो चुकी है उसको कम करना चाहिए भले ही आने वाले समय में कोई भी जीते या कोई भी सरकार आए? देखिए जहाँ तक महंगाई की बात है, कीमतें तो हर चीज की बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, संपत्तियों का भी, प्लॉट जमीन का भी रेट बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। पहले व्यापार उतना नहीं होता था, आज की डेट में नगर का मतलब शहर बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और जहाँ तक सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो उस हिसाब से महंगाई ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। चलिए ठीक है, जो रोजगार करने वाले लोग और जो स्वरोजगार करते हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, और आप आत्मनिर्भर बन चुके हैं? हाँ सर, आत्मनिर्भर है सर, हाँ काम चला रहे हैं सर, हाँ। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं होती हैं, जो छोटे छोटे लोन मिलते हैं व्यापारियों को ताकि अपना उद्योग धंधा बढ़ा सके, तो ये लोगों को मिल रहे हैं आपने? सर मिल रहे हैं, सागर नगर निगम द्वारा, हाँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिल रहे हैं लोग। आपने भी लिया? हाँ सर,
तो इसमें कोई कठिनाई आई, कोई दिक्कत आई कि आसानी से सब हो गया? नहीं नहीं, सब आसानी से हो गया। हाँ, और रोजाना का जो कामकाज है, व्यापार है, उसमें गति है, वो कैसा चल रहा है? हाँ सर, सब सही चल रहा है। अच्छा, जो कस्टमर आपके पास आते होंगे रोज, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, तो वो कुछ शिकायतें ज्यादा करते हैं या खुश और संतोष ज्यादा नजर आते हैं? नहीं, अब शिकायत तो सबके लिए भगवान से भी ये कहने को शिकायत। हाँ, सब अच्छा चल रहा है भाई साहब, सब काम काज अच्छा चल रहा है भगवान के पास। और हेल्थ वगैरह की बात करें तो कैसी व्यवस्था है आपके सागर लोकसभा में, अस्पतालों में और जो अन्य सुविधाएं होती हैं? हाँ सर, बढ़िया है सर, सब कुछ अच्छा काम चल रहा है सागर पे। कहीं सुधार की आवश्यकता महसूस होती है? सर ऐसा है कि सागर में, सागर संसदीय क्षेत्र में रोजगार का कोई अच्छा सा एक उद्योग प्लांट लगना चाहिए। अभी ये स्थानीय रोजगार मिले यहाँ के युवाओं को, युवाओं को स्थानीय रोजगार मिले। पलायन करना पड़ता हो, बाहर जाते होंगे, आपके कई दोस्त यार भी गए होंगे बाहर? इंदौर में, भोपाल में सर, जॉब की तलाश। ठीक है, तो देखिए ये सागर क्षेत्र की जनता हमारे साथ थी। यहाँ पे लोगों का कहना है कि सागर में लोगों को रोजगार के साधन लोकल स्तर पर मिलना चाहिए ताकि पलायन रुक सके। महंगाई एक समस्या जरूर है, ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, बेहतर रेल कनेक्टिविटी की मांग भी सागर में निकलकर सामने आई है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास और उनसे हम सवाल करेंगे कि जनता की ये जो मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें कब और कैसे पूरा करने वाले हैं। सागर लोकसभा सीट मध्यप्रदेश और देश की सियासत में अक्सर चर्चा में रहती है। कई बड़े विकास के कार्य यहां पर हुए हैं। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यहां पर स्थापित है जो इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। कई हस्तियां इस विश्वविद्यालय से निकली हैं जो देश और प्रदेश में, विदेशों में भी अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। लेकिन जनता की कई मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं और मूलभूत मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरा लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं लड़ा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे भी यहां पर हावी हैं, चाहे बात सीए की हो, राम मंदिर की हो, और इनको लेकर भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने तर्क भी हैं। चलिए जनप्रतिनिधियों के पास आपको लिए चलते हैं। जनता के बीच में से जो मांगे, जो समस्याएं निकल कर आई हैं, उनका अब तक इन्होंने कैसे निराकरण किया है और आने वाले समय में क्या विजन है, ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस यहां विपक्ष में है। सर, क्या वजह है कि बीते चुनावों में लगातार कांग्रेस को यहाँ जनता नकार रही है, जनता ने मौका नहीं दिया? कहीं ना कहीं हम जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रहे, लेकिन अब सागर में जनता समझ चुकी है कि भाजपा के द्वारा लगातार जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जाता है, जिस प्रकार से झूठे वादे, झूठी घोषणाएं की जाती हैं, वो सब भ्रमित करने के एक उनके कहते हैं कि प्रयास किए जाते हैं, और वो जनता अब समझ गई है। आप देखिए, सागर में पिछले 35 वर्षों से भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक हैं, लेकिन युवाओं के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने कुछ भी दिया, कोई भी आयाम पैदा किए? क्यों सागर के युवा बाहर के राज्यों में, अपने दूसरे अन्य शहरों में, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? क्यों भाजपा अभी तक, जैसे सागर जो है बुंदेलखंड के एक मुख्य प्रमुख नगर में शामिल है, लेकिन फिर भी सागर इतनी सुविधाओं से अछूता क्यों? क्यों सागर में एक भी फैक्ट्री नहीं है? क्यों इंडस्ट्रीज नहीं है? क्यों उसके लिए प्रयास नहीं किए जा रहे? जबकि भाजपा के लिए सागर की जनता ने हमेशा उनको विश्वास जताया, 35 साल से तो विश्वास जता रहे, उसके बाद भी उनके विश्वास पे खरा नहीं उतर रहे। क्यों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे? मैं जवाब ले लेता हूँ इस बात का। कई बार जनता ने मौका दिया, एक बार नहीं, बार बार यहां से जताया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस भी कह रही है, हम जनता के बीच थे, उन्होंने भी कहा कि यहां से पलायन एक बड़ी समस्या है जिसका कारण है कि रोजगार नहीं है। सरकार कोई भी आ जाए, रोजगार की एक व्यवस्था कर रहे हैं और व्यवस्था चल रही है। यदि लगातार 35 वर्षों से हम पे विश्वास कर रही है जनता, तो हम कुछ तो कर रहे होंगे, हम विकास कर रहे हैं। करना कांग्रेस है, कांग्रेस तो मुक्त हो चुकी है, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, एक महीना भी नहीं बचा है। विकास कर रहे हैं तो विकास क्या क्या काम हुए, विकास की जरा गिनवा दीजिए थोड़े बहुत। देखिए, सागर शहर की अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो आप सागर शहर को देखिए, आप तालाब को जाके देखिए पहले क्या था और अब क्या हो गया है, और रोडें देखिए आप, और एलिवेटेड कॉरिडोर जाके देखिए आप, ऐसी व्यवस्थाएं, सुविधाएं जनता के लिए पहले कभी नहीं मिली थी जो अब मिलने लगी हैं। और मैं आपसे बात करूं तो कांग्रेस के लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 35 साल से विधायक है, सांसद है भाजपा का, लेकिन उनको ये भी याद नहीं है कि महापौर भी भाजपा ही का 35 साल से है। तो मैं आपके माध्यम से उनको याद दिला दूं,
अगर जनता 35 साल से भाजपा पर विश्वास कर रही है तो भाजपा कुछ ना कुछ कर रही है। और अगर हम बात रोजगार की करें तो रोजगार के इतने माध्यम भाजपा ने दिए हैं, जैसे हम आपको महिलाओं की बात करें तो समूह के माध्यम से हजारों की तादाद में महिलाएं काम कर रही हैं, सिलाई मशीन का, पापड़ मशीन का, ऐसे बड़ी मशीन का, ऐसे कई उद्योग महिलाओं द्वारा समूह के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, जिनसे एक रोजगार उनके लिए मिल रहा है। बात अगर हम युवाओं की करें तो अगर जैसे हम कॉलेज की बात करें तो सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद अगर सागर के लिए सबसे बड़ी सौगात मिली है, इससे एक एक युवा खुश है कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय सागर क्षेत्र के वासियों के लिए मिला है। यह हम सभी के लिए और डॉक्टर गौर के सपने को पूरा करने जैसा यह कदम है, जिसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हमारा प्रश्न रोजगार को लेकर था। बिल्कुल, मैं रोजगार पे बात को लेकर था। रोजगार में क्या दिया? सिर्फ झूठी बातें, झूठी घोषणाएं, यही है। आप एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, इसके पहले एलिवेटेड कॉरिडोर के पहले सागर के तालाब का क्षेत्रफल क्या था, आज क्या है, उसके अतिक्रमण के बारे में आपने क्यों चर्चा नहीं की? बिल्कुल हकीकत बात है, हम बिल्कुल नहीं भूले। महापौर भी आपका, सांसद भी आपका, विधायक भी आपका, 35 सालों से आपका, लेकिन सागर की जनता के साथ धोखा क्यों? सागर की जनता के साथ, युवाओं के साथ क्यों धोखा होता है? सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही है कि रोजगार की बात, तो आप पहले एक जवाब दे दीजिए ना, फिर सवाल। उनका पहला आरोप रोजगार को लेके था। मैं रोजगार का स्पष्टीकरण उनसे मांगना चाहता हूँ कि कांग्रेस की आखिर रोजगार की परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ 100% सरकारी निवेश की कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति ही रोजगार के पात्र माने जाएंगे, कि प्राइवेट सेक्टर जो हमारे शहर में आ रहे हैं उनमें जो रोजगार मिल रहे हैं वो बेरोजगार ही है? क्या क्या टाइटल है उसका? और इतना ही तो ये स्पष्ट कर दें कि इनकी पहले रोजगार की परिभाषा क्या है। व्यक्ति नौकरी करेगा, कमाएगा, उसको रोजगार कहेंगे, कि सिर्फ सरकारी कंपनी में जाके रोजगार हासिल करेगा उसको रोजगार माना जाएगा? और सरकार प्रयास कर रही है, कहा प्राइवेट सेक्टर में निवेश आया सागर में, सच्चाई है? हमें एक भी नाम ऐसे बता दें जिनकी सागर में, सिद्धगुआ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कितनी नई फैक्ट्रीज आ गई। और दूसरी बात ये है, आप पिछले 10 वर्षों से 2 बार की जो टर्नओवर है उसमें मोदी जी के नाम पर यहाँ पर लोकसभा का सांसद चुना गया। मोदी जी ने कहा कि मोदी जी का चेहरा है और व्यक्ति को चुन के भेजें। आज मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव फिर सर पे है, आज इस चुनाव में फिर आप मोदी जी के नाम पर वोट मांगने आओगे, फिर हमारी जनता के साथ में धोखा किया जाएगा। माननीय सांसद महोदय ने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? क्या सागर में हवाई की कोई सुविधाएं आई? क्या हमारे सागर में कहीं और कोई ऐसे कोई मापदंड स्थापित हुए हों जो सेंट्रल से सागर के लिए मिले हों? कोई नहीं है। आज जो लोग ये दिखा रहे हैं 35 वर्षों से, निश्चित तौर पर महापौर से लेके सांसद तक भाजपा का है, इन 35 वर्षों में हमारे सागर के विकास के नाम पर आप एक एलिवेटेड कॉरिडोर की गिनती करा रहे हो, जो कि पिछले 1.5 साल में बना है, 1 साल में बना है, बाकी 34 साल में क्या हुआ? तालाब की आप बात कर रहे हो, तो तालाब पहले भी चारों तरफ बाउंड्री थी, आज भी है, लेकिन जो खुदाई के नाम पर जो धोखा हुआ है सागर की जनता के साथ, उस लाखा बंजारे में लोगों ने देखा नहीं है कि कब मिट्टी निकली और कब फिक गई, और 100 करोड़ से ऊपर की खुदाई का काम भी हो गया। ये एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला था। भ्रष्टाचार में एक दुबे तालाब को लीन कर गए भैया। तो आज रोजगार की जहाँ तक स्थिति है, हमारा छोटा भाई ये बोल रहे थे कि आप रोजगार की क्या परिभाषा देना चाहते हैं, सरकारी रोजगार हो कि प्राइवेट रोजगार हो? अरे भैया, रोजगार आदमी के पेट भरने की क्या व्यवस्था आपने करी है? चलिए, बिल्कुल, रोजगार की तो यही परिभाषा है सर कि आदमी का पेट भरना चाहिए, उसको पर्याप्त और एक अच्छी जिंदगी, लाइफ स्टाइल मिले, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन हमारे जो विपक्षी दलों के साथी ये भूल जाते हैं कि इसी सरकार में अभी लगभग 6 महीने पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना के अंदर बिना रिफाइनरी में जो है पेट्रोकेमिकल हब की, जो 50,000 करोड़ रुपए की पेट्रोकेमिकल हब का भूमि पूजन किया, उसका काम प्रगति पर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब तत्काल जो है आप कोई भी काम शुरू करें और कल से सर 35 साल हो गए। कोई भी चीज होती है तो एक एक करके होती है, एकदम कोई भी चीज नहीं होती है, एकदम आप ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। आप विकास आप देख रहे हैं सागर, आज सागर का क्या था क्या है? इनके जब वजह से मुख्यमंत्री जब लाइट नहीं मिलती, आज पूरा सागर देखो, दूध का सागर है यार, पूरा सागर रोड देखा। हर चुनाव में, हर टाइम और हर चुनाव में इनका एक ही मुद्दा है, रोजगार। अगर रोजगार का मुद्दा होता तो जनता 35 साल से भाजपा को, और अभी विधानसभा चुनाव में आपने देखना, जहां लोग कह रहे थे कि सरकार
नजर आ रही है। हमने खुद कल्पना नहीं की थी हम 165 सीट जीतेंगे, लेकिन आज उसके साथ हम 50 से ज्यादा जीत रहे हैं। आप ये देखिए बिना रिफाइनरी कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन नहीं है। फिर आपने उसको आके आप शिलान्यास कर रहे, भूमि पूजन कर रहे, कुछ कर रहे, तो आप उसको बढ़ा रहे। आप कांग्रेस सरकार लेकर आई थी बिना रिफाइनरी कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही, तो भाई उसमें अब कुछ जो भी कुछ हो सकता है तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है। लेकिन बिना रिफाइनरी कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, एक बात। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार की बात हम क्यों ना करें। हम युवा पढ़े लिखे युवा आज पलायन कर रहे हैं, अपना वो शिक्षा कितनी महंगी हो गई है ये आप खुद देखिए। और जब शिक्षा पढ़ लिख के युवा पढ़ लिख के अगर है ना वेल एजुकेटेड हो जाता है तो वो हमाली नहीं करेगा, वो मजदूरी नहीं करेगा, उसको नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको एक व्यवस्थित अपना घर चलाना है, बच्चों को पालना है, बच्चों का भरण पोषण करना है। वो युवा कहाँ जाएगा? आर्थिक तंगी के आधार पर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में सागर में लोग पढ़ लेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, लेकिन नौकरी करने कहाँ जाएंगे? जबलपुर, भोपाल, इंदौर। व्यवस्था यही होगी। आप ये जो इन्होंने कहा ना कि कांग्रेस ने वाकई में इस देश को बहुत कुछ दिया, इस देश को गर्त में ले जाने का काम कांग्रेस ने किया, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया, वाकई में कांग्रेस की कई उपलब्धियां हैं इस देश